इतना एक नया डिवाइस आया EDA50 जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और ये एक मोबाइल डिवाइस की तरह इसको यूज कर सकते हैं और काफी इजी स्कैनर है। मैं आपको हनीवेल के बारे में बताया था, आज इसका अनबॉक्स करते हैं। हनीवेल EDA50 इस डिवाइस का नाम है। मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये यूज होता है। देख सकते हैं पैकिंग इस तरीके से की जाती है, ये प्लास्टिक की पैकिंग है ताकि सेफ एंड सिक्योर रह सके, गिरने का भी डर हो तो कुछ नुकसान ना हो सके। ये इसकी बैटरी है, जैसे दिखाता हूँ ये आपका डिवाइस है। ये इसका यूएसबी केबल है जिससे चार्जिंग भी हो सकता है। ये चार्जिंग का एक्सेसरीज है इसके, ये इसके आप देख सकते हैं काफी सारे पोर्ट भी है। ये आजकल नए नए तरीके के प्लग स्विचेस आ रहे हैं तो उसमें लगाने के दिक्कत हो, तो चार तरीके के इसमें आपको चार्जिंग के जैक दिए हुए हैं कि आप इस पर लगा करके यूज कर सकते हैं। आइए तो हम इसको ऑन करते हैं डिवाइस को। डिवाइस जैसे अनबॉक्स हो चुका है, देखिए मैं इसका बैटरी लगा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से ऐसे इस तरीके से इसका बैटरी को लगाएंगे यहाँ से। ये जैसे मैंने इसके बैटरी को लगा दिया है यहाँ पे, ये साइड में देख सकते हैं यहाँ पे ऑन का बटन है यहाँ पे, ये छोटा सा इससे दबा के रखेंगे इसको। ये देखिए ये डिवाइस आपका ऑन हो गया है। जैसा कि मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, देखिए जैसे कि ये ऑन हो गया है और ये काफी आप जैसे देख सकते हैं आजकल बहुत चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी है आपका एंड्रॉइड फोन की तरह है, इसको यूज कर सकते हैं आप आजकल। इसमें लॉजिस्टिक कंपनी में, कोरियर कंपनी में आजकल ऐसे ही डिवाइस चल रहे हैं और ये काफी फोन की तरह है। इसको ऑन करेंगे आप तो बिल्कुल आप एक देख सकते हैं जैसे कि एंड्रॉइड फोन की तरह इसको यूज कर सकते हैं। देखिए एंड्रॉइड फोन की तरह फीचर्स है इसमें, इसमें डेटा ले सकते हैं, इसमें स्कैन करने का ऑप्शन है, इसमें प्लस यहाँ पे स्कैनर है, इससे आपका स्कैन होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अभी आपको स्कैन करके दिखाता हूँ इसके बारे में। बार कोड है जिससे मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे डेटा भी शो करेगा इसके बारे में अगर मैं डायरेक्ट गूगल पे स्कैन कर रहा हूँ ताकि इसका डेटा खुल सके। देखिए मैंने यहाँ पे स्कैन किया है इसे, यहाँ पे डेटा देख सकते हैं आप सामने आ रहा है। यहाँ पे सर्च करेंगे इसके बारे में आपको आ जाएगा कि मैंने क्या स्कैन किया है, क्या डिवाइस था या क्या डेटा था इसके अंदर। जैसे QR कोड भी है, इसकी स्कैनिंग स्पीड भी काफी अच्छी है, दोनों ही स्कैन करता है। ये लाइन वाले जो बार कोड होते हैं ये भी स्कैन करेगा एंड साथ में ये QR कोड है आपका ये भी ये स्कैन करता है डिवाइस। ये 1D एंड 2D दोनों ही बार कोड को स्कैन कर लेता है और इसकी स्कैनिंग स्पीड भी है वो भी काफी अच्छी है। देखिए जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे कि स्कैन कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए जितनी बार स्कैन करेंगे यहाँ पे सर्च कर रहे हैं नॉर्मली क्या हमने स्कैन किया है, इसके बाद में डेटा आपके पास खुल करके आ जाएगा पूरा। और इसके बारे में कुछ फीचर्स बता दूं मैं, इसकी 5 इंच की डिस्प्ले है, इसमें आपका बैक कैमरा मिलता है जिसे बिल्कुल फोन की तरह दिखता है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं फोन की तरह, इसमें सिम कार्ड भी लगा सकते हैं अगर कुछ आपको यूज आ सके। बताता है ये कई जगह पे यूज होता है, जैसे फूड कंपनी हो गया, वेयर हाउस हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हो गया, लॉजिस्टिक कंपनी हो गई। आजकल ये डिवाइस काफी चल रहा है, काफी रगेड भी है और ये यूज होता रह रहा है तो हर जगह आजकल ये यूज आ रहा है आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं डिवाइस देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है और काफी रगेड है, काफी मतलब स्ट्रांग भी है और काफी लाइट वेट है, तो इसको कहीं भी इजी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, एक तरीके से फोन की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और आजकल मैं आपको जैसे कि इसके बारे में बता रहा था कि कोरियर कंपनी जैसे कि ब्लू डार्ट वगैरह हो गई या कोई बड़ी कंपनी जैसे बिग बास्केट वगैरह, उसमें भी आजकल ये काफी ज्यादा यूज हो रहा है और काफी इजी डिवाइस है, इसको यूज करना भी काफी इजी है एंड्रॉइड, बिल्कुल एंड्रॉइड के फीचर्स की तरह है।
जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं इसमें एक आपको मैं बताया था, इसमें एक जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपको इस बारे में बताया था, इसमें साथ में एक इनबिल्ट ऐप आया है जो कि और डिवाइसेस में पहले नहीं आता था, और पहले नहीं आता डिवाइसेस में, और अभी इसमें एक ऐप है मैं दिखा देता हूँ। इस ऐप में काफी सारे फीचर्स है, यहाँ से देख सकते हैं सैंपल के तौर पर, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे स्कैन करने के लिए QR कोड आता है, यहाँ पे डेटा भी ले सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से नॉर्मली स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, कोई भी आप QR कोड डेटा वगैरह ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ से ले सकते हैं, इस तरीके से स्कैन कर सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे इसका डेटा आ रहा है, साथ में ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन आ रहा है कि यार आपके पास पेपर पेन नहीं है, अगर किसी का सिग्नेचर लेना है, आपने कुछ मटेरियल रिसीव करवाया हमको, तो यहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर भी ले सकते हैं किसी को, इस पर क्लिक करेंगे एक बार, जैसे कुछ भी एडिटी देखिए, इस तरीके से आप डिजिटल सिग्नेचर लेके यहाँ पे सेव कर सकते हैं, इसको सेव कर देंगे ये आपका हो गया। यहाँ से आप अगर कुछ आपको प्रिंट भी देना है तो अगर साथ में इंटीग्रेट अगर प्रिंटर है आपको उनका अवेलेबल, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कमांड भी दे सकते हैं और उनका रिसीविंग बाहर आ जाएगा। इसमें ये फीचर्स भी है और काफी इजी है इसको यूज करना। और थैंक यू, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, अगर नहीं पसंद आया हो तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आकर के आप मुझे लिख सकते हैं कि क्या आपको पसंद नहीं आया इसमें, ताकि हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। Thank you.